नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंडस्लाइड के बारे में, अर्थात भूस्खलन के बारे में हम देखेंगे कि आखिर भूस्खलन कैसे आते हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके परिणाम क्या होंगे और उनको हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं कि आखिर भूस्खलन किस तरीके से आ सकते हैं, प्राकृतिक कारण और मानव कारणों की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए आखिर लैंडस्लाइड होता क्या है। लैंडस्लाइड भूस्खलन अर्थात किसी भूमि के टुकड़े का टूट करके कहीं गिर जाना, उसी को हम भूस्खलन कह सकते हैं। और ये खास करके पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है और एक मानव त्रासदी के रूप में ही हमें देखने को मिलेगा। एक कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा है, जो कह सकते हैं मानव जनित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं आखिर ये कैसे कैसे होता है। तो इधर मैंने कुछ डायग्राम बताए हैं जिनके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर भूस्खलन जो आते हैं उनको डायग्राम में कैसे डिनोट कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, उसको मैंने इधर बता दिया है। बाकी इधर मैंने बता दिया है कारणों की बात करेंगे, आखिर भूस्खलन प्राकृतिक और मानव जनित कारण जो होते हैं भूस्खलन आने के, उनकी हम बात करेंगे और हम देखेंगे इनके परिणाम क्या होते हैं। आखिर जब भूस्खलन आएगा तो उसे परिणाम क्या होंगे, उसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और दोनों को संतुलित रूप में देखेंगे, फायदे और नुकसान का भी आकलन हम करके देखेंगे। तो देखिए प्राकृतिक और मानव जनित जब बात करेंगे, सबसे पहले हम प्राकृतिक कारणों की तरफ आएंगे। प्राकृतिक कारणों में जब मैंने देखा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि भूकंप है, अर्थात भूकंप की वजह से भी क्या होता है, लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले बता दूं, लैंडस्लाइड हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों, मैदानी भागों में नहीं मिलेगा। खास करके आपको पर्वतीय या किस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी पर्वतीय क्षेत्र में या मान लीजिए हिमालय के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कहीं पर कोई भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से क्या होता है, किसी पर्वत का एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए जैसे एक कोई ये प्लेट हो गई, एक कोई ये प्लेट हो गई, भूकंप आता है, मान लीजिए दो प्लेट आपस में टकरा रही, ऊपर की तरफ एक कोई पर्वत स्थित है, टकराने की वजह से क्या होगा, टकराने की वजह से पर्वत पूरा, सीधी बात है, हिलेगा। उसका हो सकता है कोई टुकड़ा ऐसा होगा जो टूट करके क्या हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है। तो भूकंप भी एक कारण है भूस्खलन के आने के। दूसरा है नदियाँ। नदियाँ कैसे कारण होती, क्योंकि आप जान रहे कि जब कोई नदी बहती है तो नदी बहते बहते क्या होती है, उसका कह सकते हैं अपरदन वगैरह करती है। अपरदन करने की वजह से क्या होता है कि नदियों की घाटी बन जाती है। घाटी बनने की वजह से क्या स्थिति आती है कि जो आप मैप के जरिए, मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई एक ये कोई पर्वत है और इस तरफ कोई एक और पर्वत है, ये क्या है, कोई नदी की घाटी है। नदी की घाटी क्या करेगी, नदी जो है धीरे 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 कह सकते हैं इसका अपरदन करती रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, नदियों की घाटी जो है वो गहरी होती चली जाएगी, यहाँ पर नदी बहने लगेगी। एक समय आएगा जब नदी यहाँ बहने लगेगी तो जो ये वाला हिस्सा है, नदी की घाटी का जो हिस्सा होता है, उसमें लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये वाला हिस्सा जो होगा, जो घाटी होगी, ये वाला हिस्सा टूट करके नदी में हो सकता है गिर जाए, और नदी में गिरे तो हो सकता है नदी में बाढ़ भी आ जाए, ऐसी स्थिति में हमें देखने को मिल सकती है। अन्य कारणों में हम देखेंगे तो एक कारण हमें देखने को मिलेगा वर्षा। पानी की जब बहुतायत मात्रा भी क्या करती है कि भूकंप का कारण बन सकती, सॉरी लैंडस्लाइड का कारण बन सकती है। मान लीजिए जैसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश वगैरह होती, पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश अधिक होती है तो बारिश अधिक होने की वजह से सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लैंडस्लाइड की हमें देखने को मिलती, लैंडस्लाइड वगैरह वहाँ पर आ सकती, बारिश भी एक कारण है। बारिश इसको हम देख फिगर के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई एक क्षेत्र है, ये इस फिगर के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कोई पर्वत है, पर्वत में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कोई क्या है, ये कोई जलाशय है, जो बारिश के पानी वगैरह से क्या हो गया, इसमें पानी जमा हो गया है, जलाशय है। तो सीधी बात है, जब कोई जलाशय है तो जलाशय, मानिए जलाशय है तो जलाशय में अंदर ही अंदर पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है, अंदर की ओर जाता रहता है। तो जब पानी जब अंदर की ओर रिसता रहेगा, जाता रहेगा, तो सीधी बात है कि वो चट्टानों को कमज़ोर करेगा। चट्टानों को जब कमज़ोर करता है तो पानी यहाँ से कोई अन्य ज़मीनी स्तर पर भूमिगत जल, जब आप देखते हैं ना, तो अंदर जाते जाते हो सकता है कहीं और से वो निकलने की जगह बनाएगा। जो ये झील बनी हुई है, झील का पानी जो है अंदर ही अंदर होते 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 कहीं और से बाहर निकलने लगेगा, और जो ये हिस्सा है, जो पर्वत का जो ये वाला हिस्सा है, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर होकर के हो सकता है टूट करके गिर जाए।
या फिर जब ज़्यादा बारिश होने लगती है, ज़्यादा बारिश की वजह से नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, कटाव वगैरह करती हैं, नदियों के कटाव की वजह से भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो बारिश की वजह से भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। ये खास करके आप देख लीजिए, जब ज़्यादा बारिश होती है तो उत्तराखंड के कई एरिया में ले लीजिए, या पूर्वोत्तर भारत में ले लीजिए, महाराष्ट्र का एरिया ले लीजिए, या आप दक्षिण भारत में ले लीजिए, आपको ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। दूसरा, पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल क्या है? पर्वतीय ढाल का मतलब ये कि हमें देखना पड़ेगा कि आखिर भूस्खलन के लिए पर्वत की ढाल कैसी है। अगर जो नॉर्मल में पर्वत का स्लोप अगर जो जिस तरीके से मैंने बनाया इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो कोई पर्वत इस तरीके से हुआ, या मान लीजिए कोई अपरदन वगैरह ऐसी स्थिति बनी हो, पर्वतों की ढाल कुछ ऐसी है कि आप देखिए इस तरीके से हो गई, तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनेगी तो सीधी बात है कि एक सिचुएशन आएगी, अगर जो नीचे से कोई नदी वगैरह या कुछ ऐसा अपरदन कर रही है, तो जो पर्वतों की ढाल जो है यहाँ पर क्या करेगी, एक ये सिचुएशन और ऐसी बन जाएगी कि और ये वाला हिस्सा टूट करके क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो कह सकते हैं पर्वतों की ढाल भी क्या होती है, एक जिम्मेदार है किसके लिए, भूकंप आने के लिए। नेक्स्ट है चट्टानों की प्रकृति। चट्टानों की प्रकृति भी भूकंप, सॉरी, भूस्खलन आने के लिए जिम्मेदार है। बार बार में भूकंप निकल रहा है। चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति जो मैंने बताया है, तो आखिर चट्टानों की प्रकृति कैसे जिम्मेदार है, तो उसमें जब हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे कोई अवसादी चट्टान है, जैसे कमज़ोर चट्टान है, तो उसमें सीधी बात है, उसके सीधी बात कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, जल्दी क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्रैक पड़ेंगे तो सीधे वो हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए कोई आग्नेय चट्टान है, तो उसमें थोड़ा सा क्रैक जल्दी पड़ेंगे नहीं, या ऐसी कोई स्थिति बने तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसी डायग्राम में आप समझिए, जैसे मैंने बताया है, पहली बात तो कि सूरज की स्थिति ऐसी बनती है कि बार बार बारिश होने पर और सूरज की धूप पड़ने पर, धूप वगैरह पड़ती है और वहाँ पर क्या होती है कि बारिश भी हो रही, तो सूखा गीला कुछ ऐसा मिक्सचर बन जाता है कि चट्टानों की प्रकृति बदलने लगती है और ये क्या होती, चट्टानें टूट करके नीचे गिरने लगती, कमज़ोर हो जाती चट्टानें। तो चट्टानों की प्रकृति पर भी ये डिपेंड करेगा कि आखिर वो चट्टानें कैसी हैं, चट्टानों की प्रकृति जैसी होगी उस हिसाब से उसमें भूस्खलन की दर घटती और बढ़ती रह सकती, हो सकता है चट्टानों की प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि भूस्खलन कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकता है, ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिल सकते हैं। ये सभी भी हम जो बता रहा हूँ ये सब स्थिति है प्राकृतिक कारणों में। नेक्स्ट है पर्वतों की अवस्थिति। अभी आप सोचेंगे कि आखिर पर्वतों की अवस्थिति की हम इसमें क्यों बता रहे हैं। अब पर्वतों की अवस्थिति, मान लीजिए जैसे कोई पर्वत है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग इसको समझिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया, मान लीजिए जैसे ये एक फिगर हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के पास में जब आप देखेंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पर पर्वत स्थित है, तो ये पर्वत हम ले लेते हैं कहीं का भी ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं उसके आसपास किलिमंजारो वगैरह, या ऐसा कोई भी पर्वत ले लीजिए भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, या कह लीजिए तो जो आप देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो स्थित होगा उसमें हम देखेंगे। अब जो कोई पर्वत होता है, तो पर्वत जैसे होता है, तो पर्वतों की स्थिति में जब आप देखेंगे, तो अगर जो कोई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पर्वत स्थित है, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ पर धूप भी ज़्यादा पड़ेगी, बारिश ज़्यादा होने, धूप होने की वजह से वहाँ की चट्टानें जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी। तो अवस्थिति का मतलब है कि पृथ्वी पर कोई पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये भी कंडीशन रहेगी कि भूस्खलन कहाँ पर आएगा। जैसे कोई पर्वत इस एरिया में स्थित है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित है विषुवतीय क्षेत्र में, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर स्थित होगा तो सीधी बात है सूरज की किरणें ज़्यादा समय तक लंबवत पड़ेंगी, इस पर धूप ज़्यादा पड़ेगी, धूप के साथ साथ वर्षा भी ज़्यादा पड़ेगी। धूप और वर्षा होने की वजह से ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ के जो पर्वत होंगे उन पर, पर्वत पहाड़ कुछ भी ले लीजिए, पठार वगैरह, तो गर्मी होगी, वर्षा होगी, गर्मी वर्षा होने की वजह से चट्टानें कमज़ोर पड़ जाएंगी। खास करके आप जब दक्षिण भारत में केरला के आसपास के क्षेत्रों में जब देखेंगे, तो सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी खूब पाई जाती है, क्योंकि यही स्थिति होती है, वर्षा भी होती है, धूप भी पड़ती है, वर्षा धूप, तो ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है धीरे धीरे इसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि लेटराइट मिट्टी में कन्वर्ट होने लगती है। अब जाने जब ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी में देखने को मिलती है, और केरला के क्षेत्रों में आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी। तो बारिश होगी और ऐसी सिचुएशन आएगी तो चट्टानें कमज़ोर होंगी, चट्टानें कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर
लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि लैंडस्लाइड आने के लिए सिर्फ कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। चूंकि मैं पर्वतों की अवस्थिति बता रहा हूँ तो पर्वतों की अवस्थिति के साथ साथ इसमें वर्षा भी जिम्मेदार हो सकती है, नदियाँ भी जिम्मेदार हो सकती हैं, या हो सकता है कि सिचुएशन में कोई भूकंप भी आ जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर जो मान लीजिए पर्वत की कमज़ोर स्थिति है, नदियाँ उसमें क्या कर रही हैं, नदियाँ जो उसमें कटाव कर रही हैं, तब भी उसमें भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल सकती है, या कोई कमज़ोर पर्वत के पास में अगर जो कोई भूकंप आ जाएगा तब भी वो पर्वत टूट करके गिर जाएगा, या वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कारण नहीं कि एक ही कारण जिम्मेदार है, ये सभी कारण आपस में एक तरीके से जिम्मेदार हैं, जितने मैं कारण बता रहा हूँ, लेकिन इनको मैं टुकड़ों में जब देखेंगे तो ये सभी एक एक कारक हैं जिनकी वजह से हमें भूस्खलन देखने को मिलता है। तो पर्वतों की, चाहे चट्टानों की प्रकृति हो, चाहे वो पर्वतीय ढाल हो, वर्षा हो, नदियाँ हो, भूकंप हो, और पर्वतों की अवस्थिति हो, जब सबको कंबाइंड रूप से देखेंगे तो हो सकता है किसी भूस्खलन में सिर्फ एक कारण जिम्मेदार ना हो, हो सकता है कई सारे कारण जिम्मेदार हों। हो सकता है नदियाँ बह रही हैं और हो सकता है उस नदी वाले क्षेत्र में भूकंप आ जाए, तो नदियां बह रही भूकंप आ जाए, ऐसी स्थिति में भी हमें देखने को मिलेगा कि आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल जाए। जैसे आप देखेंगे लातूर वगैरह में आपको एक भूकंप आपको आया और लैंडस्लाइड देखने को मिला। कुछ टाइम पहले जब आप देखेंगे तो उत्तराखंड के क्षेत्र में हमें देखने को मिला कि वहाँ पर कोई ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट करके जब गिरा नदी में, तो नदी में जब गिरता है तो नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ बांध वगैरह टूट जाते हैं, और आसपास के क्षेत्र में जब देखेंगे तो लैंडस्लाइड भी थोड़ी बहुत देखने को मिली। तो सिर्फ एक कारक जिम्मेदार नहीं है, कई सारे कारक इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक कारणों की, ये सभी कारक इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें और भी आप ले सकते हैं, चट्टानों की प्रकृति मैंने बताया, आप अपनी तरफ से भी इसमें कई सारे कारक जोड़ सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मिट्टी का स्वरूप कैसा है, आप चिकनी मिट्टी पाई जा रही है या कोई जैसे लाल मिट्टी पाई जा रही है, या किस कैटेगरी में जब आप देखेंगे तो मिट्टी कैसी है, वो भी एक कह सकते हैं लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है। तो सभी कारक जिम्मेदार हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसमें और भी आप कारक इसमें जोड़ते चले जाए, कारकों की कमी नहीं है, और भी कारक इसमें जोड़े जा सकते हैं। आप अपने स्तर पर सोचिएगा और उसको आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। चूँकि मैंने अभी बताया है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, अब मैं अगर जो बात करूँ किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको रेगिस्तान भी तो देखने को मिल सकते हैं, अब अगर जो इस क्षेत्र में आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाए या ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो वहाँ पर बारिश होती भी नहीं है, तो आप कहेंगे बारिश जब नहीं हो रही है फिर भी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो हो सकता है, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी ऐसी सिचुएशन बने। तो उसमें हम बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है, हवा भी तो जिम्मेदार है। आप जब पवनों के कारणों में जब हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है जालीदार सिरा, क्योंकि आप जान रहे चट्टानों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है, मान लीजिए जैसे कोई ये चट्टान है, हवा वगैरह से, रेत के प्रभाव से जब हवा वगैरह भी चलती है तो हवा भी तो अपना एक कह सकते हैं कि चट्टान को तोड़ेगी, धीरे धीरे तोड़ेगी तो है ही, क्योंकि आप देखेंगे तो रेगिस्तान वगैरह बने कैसे हैं, तोड़ेगी तो सीधी बात है कि वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे वगैरह हो सकता है। आपको आर पार आप पर्वत के देख लें, पर्वतों में भी आपको देखने को मिलेगा चट्टानें कमज़ोर हुई तो भी वहाँ पर लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल सकती है। हल्की सी बारिश हो गई पर चट्टान कमज़ोर हो गई, अर्थात यहाँ पर पवन भी जिम्मेदार हो सकती है लैंडस्लाइड के लिए। तो आप कह सकते हैं ना कि ये सब सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ, और ख़ास करके जब भारत के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जब प्राकृतिक कारणों में तो जो भूस्खलन आते हैं वो खास करके जब बारिश की कंडीशन होती है, अर्थात जब मानसून के टाइम में कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि अब रेगिस्तान के क्षेत्रों में जब आप देखेंगे, मान लीजिए अरावली के आसपास चले जाइए, तो अरावली अपने अवशिष्ट अवस्था में आ चुकी है, वहाँ पर ऐसे कोई ऊंचे पर्वत वगैरह हैं नहीं कि वो टूट करके नीचे गिरे, बहुत ना के बराबर पर्वत बचे, इसलिए आपको नवीन वलित पर्वतों में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे कि रॉकी ले लीजिए, चाहे पेंडीज ले लीजिए, चाहे हिमालय ले लीजिए, चाहे आप कोई भी नवीन वलित पर्वतों में ये कंडीशन ज़्यादा ऊँची, क्योंकि वो एक तो ऊँचाई ज़्यादा है और मिट्टी वहाँ की खिसकती भी रहती है, क्योंकि वो भी आप देखेंगे एक सिचुएशन में वो अभी भी ऊपर उठ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है मिट्टी खिसकती भी रहती है और उसमें बारिश वगैरह हो जाए तो कह सकते हैं सिचुएशन बन जाती है। तो प्राकृतिक कारण आप समझ सकते हैं कि ये सब कारण हो सकते हैं। अब आते हैं मानवजनित कारण। मानवजनित कारण क्या है? प्राकृतिक कारण आपको समझ में आ गया होगा ना जो मैंने बताया चीज़ें, अब मानवजनित कारणों पर देखते हैं। मानवजनित कारणों में जब हम देखेंगे तो मानव बस्तियाँ हैं। आप जब देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जब मानव बस्तियां बनती है, उत्तराखंड की देखिए ऊंचाइयों पर आपको बस्तियां मिल जाएंगी, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, ऊंचे-ऊंचे पर्वतों पर भी जाइए, घूमने जाइए, कुल्लू मनाली ऊपर ऊपर आपको दिखेंगे कि पता चला वहां पर भी एक झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है ऊपर, या होटल ऐसे ऐसे होटल हैं जो बिल्कुल ऊंचाइयों पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनती है जब मानव बस्तियां वहां पर बसती हैं, तो सीधी बात है कि मानव बस्ती जब बनेगी तो उसके जाने के लिए कोई सड़क मार्ग भी होगा, वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता भी होगा,
और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो सीधी बात है जहाँ पर बस्ती बनाई गई तो ऐसा नहीं पर्वतों की ढलान पर बनाई जाती, तो कुछ जगह उसके बराबर भी की जाती है। तो उस जगह जब कुछ जगह बराबर की जाएगी, ये कह सकते हैं समतलीकरण की प्रक्रिया चलेगी, तो पहाड़ों को काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकती है। दूसरा है सड़क निर्माण। सड़क निर्माण में जब हम बात करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब पर्वतों पर जब सड़कें बनती हैं तो एक चक्राकार अवस्था में बनती हैं। चक्राकार अवस्था में जैसे देखिए, जैसे ये कोई पर्वत है तो इसमें चारों तरफ से इस तरीके से यहाँ पर बनती रोड इस तरीके से, क्योंकि सीधे नहीं कि पर्वत है सीधे हमारे झन से ऊपर एक सीधी रोड बना दिए यहाँ पर चले गए, इतना ढाल नहीं होता है, एक गोलाकार में बनाई जाती है। तो सीधी बात है, जब ये फिगर देखिए, जब इस तरीके से उस पर ये जो सड़क है, ये आप मान लीजिए क्या है, सड़क है जो ये जा रही है, सड़क है। जब आप इसको एक तो आप इस तरह देख रहे हैं सड़क को, लेकिन जब आप सड़क को जब देखेंगे तो ऐसी कुछ देखेगी, यहाँ पर ये सड़क है, ये घूम घूम कर जो ये सिचुएशन बन रही ना, ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। क्योंकि जब पहाड़ों पर जब सड़कों को देखते हैं तो एक हिस्से को काटा जाता है, वहाँ पर सड़क बनती है, तो एक तरफ पर्वत होता है, दूसरी तरफ खाई होती है, एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ खाई, एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ खाई, कई कई टनल वगैरह बना दी जाती तो अंदर से भी सड़कें निकल जाती हैं। लेकिन खास तौर पर आपको ये कंडीशन आपको देख सकते हैं, ये कैसे सीढ़ी नुमा कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें जब आप देखेंगे, मान लीजिए सड़क बन रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड वगैरह आ जाए, मानिए यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिसको बनाया गया है तो यहाँ पर किसी पहले यहाँ पर कोई ऐसे पहाड़ रहा होगा, उसको काटा गया है, और सीधी बात है कि यहाँ पर जो ये स्थिति बनी, तो हो सकता है पहाड़ की ऊंचाई से कोई कंडीशन ऐसी बने या इसको बनाते वक्त ऐसी कंडीशन बनी, तो ये टुकड़ा जो है ये वाला हिस्सा टूट कर, क्योंकि अस्थायी रूप से है, ये टुकड़ा टूट करके जब नीचे गिरेगा तो सीधी बात है पूरे पूरे पहाड़ को ही नीचे गिरा देगा। तो इससे क्या होगा कि जब पहाड़ों पर जो सड़क निर्माण का कार्य होता है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती हैं। अब अन्य कारण में जब आएंगे तो वनों का काटना, ये तो आप जान ही रहे हैं वनों का काटना, जब पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काटा जाता है तो वनों को काटने से स्थिति ऐसी बनती है कि वन जब कटते हैं तो सीधी बात है कि वन जब कटते हैं तो वो उनकी जड़ें वगैरह जब काट देती तो जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी कटाव की स्थिति में आती है, हल्का सा बारिश हुई पूरी पूरी मिट्टी बहने लगी, तो मिट्टी बहती तो मिट्टी बहेगी तो उसके साथ साथ पूरा पहाड़ भी खिसकने लगता है। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आप जब उसको जब आप देखेंगे किसी ऊंचाई पे पहाड़ पे, जब कहीं पे भी आप जाइए, आप उत्तराखंड का ले लिया ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो आप एक कंडीशन ऐसी आप हर जगह देखेंगे कि आपको कहीं पर ऐसी सिचुएशन जरूर मिलेगी कि मिट्टी खिसकी हुई है। आप कहीं पर भी चले जाइए आपको लगभग सिचुएशन ऐसी मिलती है कि ऊपर आप देखेंगे मिट्टी, पेड़ों का कटाव वगैरह ऐसी स्थिति बनती है कि मिट्टी खिसकती है, मिट्टी खिसकने की वजह से क्या होता है लैंडस्लाइड वगैरह आने लगती है, और खासकर ये होता है पेड़ों के काटने की वजह से। डायनामाइट का प्रयोग, इन सड़कों के निर्माण के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है खनिजों को प्राप्त करने के लिए। आप जान रहे हैं कि जो पहाड़ होते हैं वो खनिज संसाधन से भरपूर होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है कि खनिज संसाधन से भरपूर हैं और उसमें सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनको प्राप्त करने के लिए डायनामाइट का प्रयोग, विस्फोटकों के प्रयोग किया जाता है, पहाड़ तोड़े जाते हैं और उन पहाड़ के तोड़ने से क्या होता है पूरा पूरा पहाड़ ढहने लग जाता है और उससे भी लैंडस्लाइड आ सकती हैं, आती ही है, आ सकने की कोई बात ही नहीं, आती हैं। तो ये सब बातें हो गई। अब इनको जब कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, इन दोनों का मानव जनित और प्राकृतिक का आपस में कॉम्बिनेशन जब बना दिया जाएगा तो एक दूसरी कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी, जब भूकंप के साथ साथ और भी बाढ़ वगैरह भी स्थिति भी देखने को मिलेगी। अब कैसे, जैसे मान लीजिए मानव ने क्या किया, या मान लीजिए क्या किया, एक मानव जनित कारणों में मान लीजिए कोई बांध बनाया गया, कोई भूकंप आया और भूमि का टुकड़ा बड़ा सा उस नदी में गिर गया। जो नदी में जब कोई बड़ा सा टुकड़ा जब उसमें गिरेगा तो आप जान रहे हैं कि जब नदी का टुकड़ा किसी मतलब पहाड़ का एक टुकड़ा जब नदी में गिरेगा तो सीधी बात है कि नदी के बहुत तेज़ से एक लहर उठेगी और उसे बांध वगैरह टूट सकते हैं। बांध टूटेगा तो आसपास की मानव बस्तियां हों या कोई ऐसी कंडीशन हो, हल्का फुल्का असर मैदानी भागों में भी आपको देखने को मिलता ही है। तो ये आप समझ सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसके भूस्खलन के नुकसान क्या हो सकते हैं, नुकसान आप समझ सकते हैं कि सीधी बात है बाढ़ आती है, और कह सकते हैं कि मेन कारण तो आप कह सकते हैं बाढ़ आती है, मवेशियों का नुकसान होता है, पेड़ पौधों की, आप जान रहे हैं कि ढलान पे जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, जब ये भूमि का टुकड़ा टूट करके नीचे गिरेगा तो इस पे जितने भी पेड़ होंगे वो सब टूट करके नीचे गिर जाएंगे। जब नीचे गिरेंगे तो हो सकता है कि आसपास के क्षेत्रों में किसी ने अपने घर वगैरह बना रखे हो या कुछ ऐसी कंडीशन हो, जब मलबा टूट करके नीचे गिरेगा तो घरों को भी ध्वस्त कर देगा। तो सीधी बात है मानव बस्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और लोगों की जो यहाँ पर इसी क्षेत्र में मान लीजिए किसी ने क्या किया, अपना कोई खेत वगैरह बना रखा है, समोच्च कृषि कर रहे हैं, खेत वगैरह बना रखा है,
टुकड़ा टूट के गिरा, फसल वगैरह भी नष्ट हो गई। और सीधी बात है, पहाड़ों की फसल तो नष्ट भी हुई है, टुकड़ा जमीन पर गिरेगा तो नीचे की भी फसल नष्ट हो जाएगी। और कह सकते हैं कि ये सिचुएशन दोबारा प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये टुकड़ा टूट कर नीचे गिरेगा तो बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है। कह सकते हैं आप, सीधी बात है, सड़क निर्माण में बाधा आती है और मानव बस्तियों को भी नुकसान होता है। तो ये सब कंडीशन बनती है कि जब यही सब कारण हो सकते हैं जो मैंने बताए, मानव जनित कारण ही ये, इनसे नुकसान भी होता है। मानव बस्तियों का नुकसान, सड़क निर्माण का नुकसान, वनों को भी नुकसान होता है। तो ये सब बातें हो गई, मानव बस्तियां वगैरह तो मैंने बताई थी, ये सब का नुकसान होता है। तो ये रहा ओवरऑल जो मैंने भूस्खलन आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें बताऊँगा उच्चावच के बारे में, रिलीफ के बारे में, आखिर क्या होता है। वैसे महासागरीय उच्चावच मैं बता चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा महासागरों के उच्चावच मैंने बता दिया, लेकिन एक कह सकते हैं कि स्थलखंडों के ऊपर जो उच्चावच होते हैं उनकी मैं आपको बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो, ज्योग्राफी में उच्चावच के ऊपर। तो आज के लिए फिलहाल इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई शंका है, कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको उत्तर जरूर दूंगा। बाकी मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड आप एक बार क्या कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर देखिए। अगर जो वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप उसमें आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मान लीजिए कमेंट में लोग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए किसी टॉपिक विशेष पे कमेंट करते हैं कि सर इसके बारे में बता दीजिए, लेकिन उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। आप एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को एक बार देखिए, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत कुछ है उसमें देखने के लिए। 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बना रखे हैं और मुझे लग रहा है 50-60 वीडियो तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी बना रखे हैं। आप लोग देखिए, सब कुछ उसमें मिलेगा। और एक वीडियो में आने वाले समय में भारत के मैप में जो ये जो मैंने बताया भूस्खलन, भारत में भूस्खलन की स्थिति को भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भारत में जो भूस्खलन की स्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।